श्री एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। गोंदिया भंडारा लोकसभा क्षेत्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस की बनती नजर नहीं आ रही, जिसका जीता जागता उदाहरण गोंदिया जिले के सबसे बड़े पैमाने पर भरने वाली यात्रा प्रतापगढ़ के मेले में देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी में रहते समय नाना पटोले, राजकुमार बडोले, इन दोनों का महाप्रसाद का कार्यक्रम आयोजित किया जाता था, लेकिन हाल ही में नाना पटोले ने भाजपा से इस्तीफा दिया और कांग्रेस का दामन थाम लिया। लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से प्रफुल्ल पटेल का भी महाप्रसाद का कार्यक्रम हर वर्ष किया जाता है, लेकिन कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की युक्ति होने के बावजूद दोनों के महाप्रसाद अलग अलग आयोजित किए गए थे, जिसके चलते मतदाताओं ने संभ्रम की स्थिति निर्माण हो गई है। आइए देखते हैं क्या है मामला। इस वक्त हम लोग प्रतापगढ़ के पहली पायरी पर खड़े हैं, जहां कल नाना पटोले की ओर से महाप्रसाद के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। नाना पटोले के बारे में हम बता दें, यह पूर्व सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने अभी अभी फिलहाल पिछले ही महीने इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देकर कांग्रेस में पदार्पण किया हुआ है। हालांकि नाना पटोले और कांग्रेस का पुराना साथ है, इसके पहले वो कांग्रेस के ही प्रत्याशी थे, वहाँ से उन्होंने भाजपा में प्रवेश कर वापस 4.5 साल बाद वापस उन्होंने भाजपा से कांग्रेस में पदार्पण किया है। देश में राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस, ये दोनों का एनालिसिस हो चुका है, दोनों एनालिसिस में लड़ने वाली पार्टियां हैं। फिर भी प्रफुल्ल पटेल का महाप्रसाद का कार्यक्रम अलग तौर पर रखा गया था और नाना पटोले का अलग रखा गया था, जिसके वजह से मतदाताओं में संभ्रम निर्माण है कि नाना पटोले और राष्ट्रवादी कांग्रेस जो है, इन दोनों का टाइप हुआ है या नहीं हुआ है। जैसा कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर प्रतापगढ़ की यात्रा में बाबा भोलेनाथ के दर्शन लेने के लिए इस वर्ष 5 लाख भक्तों ने बाबा भोलेनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई और इन भक्तों की सेवा के तौर पर कई वर्ष से प्रफुल्ल पटेल, नाना पटोले कई वर्षों से महाप्रसाद का आयोजन करते आ रहे हैं। पिछले वर्ष नाना पटोले, राजकुमार बडोले, इन दोनों का संयुक्त महाप्रसाद कार्यक्रम देखने को मिला, लेकिन इस वर्ष भाजपा को नाना ने राम राम बोलकर कांग्रेस में पदार्पण कर लिया। फिर भी महाप्रसाद की अपने भक्तों की सेवा नाना ने नहीं छोड़ी और प्रफुल्ल ने भी नहीं छोड़ी। नाना पटोले और प्रफुल्ल के बीच के संबंध बहुत ही नाजुक मोड़ पर है, ऐसा देखने को मिला, जिसके चलते नाना पटोले और प्रफुल्ल की दूरियां देखने को मिल रही थी। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए एमएनएस हिंदी ऐप प्ले स्टोर से आज डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।